अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ मेजर मोहम्मद वहीद मौजूद हैं, जो के चेयरमैन हैं एफएलएस के। सो आई बिलीव एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी रामा, ठीक हूँ मैं। नाइस टू हैव यू इन द शो। गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट फ्यूचर लर्न स्कूल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। सर, क्या आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तारुफ करवा सकते हैं हमारी ऑडियंस को? मैंने ईयर 2000 में अस्क्रिया एजुकेशन सिस्टम यानी अस्क्रिया स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुरू किए, और उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं यूके आ जाऊं, और यहां पर आके मेरी ट्रेनिंग कंपनी है एसकॉम कंसल्टिंग लिमिटेड के नाम से। हम लोग ट्रेनिंग्स को डील कर रहे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे यूके में आके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग और उनके एडमिशंस को हम डील कर रहे हैं। और ड्यूरिंग कोविड ये हमें एक चैलेंज जो सारी दुनिया को था वो एक फेस हुआ कि हम अपने जो अस्क्रिया के हमारे स्टूडेंट्स थे और जो घरों को चले गए उनको कैसे हम एजुकेशन के साथ लिंक रखें, तो हमने ये फ्यूचर लर्न स्कूल का इनिशिएटिव लिया। तो ये मैंने एक बहुत मुख्तसर सा अपना एक तारुफ कराया है कि दीज डेज आई एम डूइंग एज अ चेयरमैन फ्यूचर लर्न स्कूल और चेयरमैन अस्क्रिया एजुकेशन सिस्टम, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ प्रेजिडेंट अस्क्रिया फाउंडेशन पाकिस्तान एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसकॉम कंसल्टिंग लिमिटेड यूके। That's very nice sir. Thank you for contributing to our cause of education. तो सर, आप मुझे क्या kindly बता सकते हैं कि FLS का concept क्यों क्या था? आपने FLS why क्यों शुरू किया? क्या इसका reason क्या था? वजह क्या थी? फ्यूचर लर्न स्कूल पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन स्कूल है जिसको फेडरल बोर्ड ने रिकग्नाइज किया, और अगर हम ये कहें कि ये बारिश का पहला कतरा है तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी इनिशिएटिव ले रही हैं और उनको लेना चाहिए। लेकिन इसका, क्योंकि मुझसे आपने कॉन्सेप्ट पूछा है कि ये डेवलप कैसे हुआ, जी इसके दो एरियाज हैं। पहला ये है कि हम लोग, क्योंकि जब कोविड आया तो तकरीबन 20 साल से जनरल एजुकेशन में अस्क्रिया एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे, और हमारे पास 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे जो उन दिनों में कोविड के दौरान घरों को चले गए, और उन्हें हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। वी वर नॉट मच सेटिस्फाइड कि हम जो जो उनको एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो चीज उस तरीके से हो नहीं पा रही थी। ऑल्दो वी ट्राइड आर बेस्ट एज सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट, एंड स्टिल वी वर फाइंडिंग दैट देयर वर मेनी गैप्स एंड दोज गैप्स वर टू बी ब्रिज्ड। तो जब हमें वो चैलेंज आया कि हमें 3,000 से ज्यादा बच्चों को घर भेजना पड़ा बिकॉज ऑफ द कोविड, और टेक्निकल चैलेंज की वजह से एफिशिएंसी जो थी सिस्टम की वो बहुत ज्यादा नहीं थी, तो हमने उन दिनों में एक यूके की कंपनी जिसका नाम है आई क्वालिफाई यूके, दे वर ऑलरेडी इनटू ऑनलाइन एजुकेशन, उनके सीईओ एजाज अशरफ चौधरी साहब से रब्ता किया, और उनके साथ हमारे सेशंस हुए, हमारे प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग हुई, हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग हुई, और हमने ये देखा कि उससे हमारे हमारी टेक्निकल साइड बहुत एनहेंस हुई। उसी दौरान हमने आपस में ये तय किया कि ऑलरेडी चीजें हमारी हमारे पास अवेलेबल हैं, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर द स्टूडेंट्स, तो हमें एक जरूरत है कि बहुत अच्छे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की। इसमें हमें एजाज अशरफ चौधरी साहब ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्क्रिया की हो गई, तो मिल के हमने ये एक ज्वाइंट वेंचर किया जिसमें अस्क्रिया एजुकेशन सिस्टम और आई क्वालिफाई यूके, ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने फ्यूचर लर्न स्कूल ऑनलाइन का आगाज किया। इसके लिए पहला हमें जो चैलेंज था वो ये था कि इस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाना। उन्हीं दिनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक
टेली टेलीविजन लॉन्च किया था, जिसमें 1 घंटे की क्लास, एक एक घंटे की एक क्लास के लिए उसका टाइम था, यानी ग्रेड 1 के लिए 1 घंटा, ग्रेड 6 के लिए 1 घंटा, ग्रेड 10 के लिए, ग्रेड 11 के लिए और ग्रेड 12 के लिए। तो 12 घंटे वो टीवी चलता था, 12 क्लासेस को केटर फॉर करता था, जो मेरे ख्याल में बहुत कम टाइम है अगर एक बच्चे को 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा पढ़ने के लिए मिलता है। इसके लिए फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में शफकत महमूद साहब से टाइम लिया, उन्हें जाके अपना कॉन्सेप्ट दिया कि हम लाइव टाइम टेबल चलाएंगे जैसे रेगुलर स्कूल में होता है। इसके अलावा हम बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देंगे, ताकि अगर वो किसी वजह से उस वक्त क्लास को मुकम्मल तौर पे नहीं सुन सका बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज और एनी अदर इशू, तो वो बाद में उसको सुन सके। इस कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने एग्री किया। दे रेफर्ड अस टू द चेयरमैन फेडरल बोर्ड। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ने इस इनिशिएटिव को बहुत सराहा और कैसर आलम साहब ने इमिजिएटली इसको बाय किया बिकॉज इट वाज नीड ऑफ द टाइम एट दैट टाइम। उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से ये बहुत अच्छा आइडिया है, यू गो अहेड विद दिस, और बाकी हम टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आस्ता आस्ता इसके ऊपर डेवलप करते हैं, और वो हमने मिलजुल के फेडरल बोर्ड के साथ डेवलप किए कि इसको हमने आगे लेके कैसे चलना है। आपको जब ऑनलाइन सिस्टम आपने स्टार्ट किया डिस्टेंस लर्निंग पे, तो आपको क्या बैरियर फेस में, बिकॉज जैसे हम पाकिस्तानी सिस्टम में वी आर मोर यूज टू इंक्लाइंड के हमारा बच्चा स्टूडेंट क्लास में जाके पढ़े, टीचर सामने लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, और आपको पता है ऑनलाइन लर्निंग में तो आपने जैसे बताया रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो ये क्या डिफरेंस था और आपको क्या चैलेंजेस या बैरियर फेस करने पड़े इसको अडेप्ट करने में? लेकिन पहला तो बैरियर जो है वो हमारे इंटरनेट की स्टेबिलिटी का है कि मेन सिटीज में तो इंटरनेट आपको अच्छी या रीजनेबल स्पीड पे मिल जाता है, बिल्कुल लेकिन छोटे कस्बों में, गांव में, जहाँ पे इंटरनेट की कवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, वहाँ पे लोगों को लाइव क्लासेस लेने में मुश्किलात हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये दोनों चीजों को साइड बाय साइड लेके चल रहा है। इट इज नॉट प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओनली, इट इज लाइव सेशंस, कंप्लीट टाइम टेबल एज इट इज रन इन डिफरेंट स्कूल्स, और दूसरा इसमें रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, दैट इज सप्लीमेंटेड। लाइव सेशन इज सप्लीमेंटेड बाय द प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक लेकिन है, दोनों चीजों के लिए जाहिर है कि आपको डाउनलोड करने के लिए, लाइव सुनने के लिए आपको इंटरनेट की अच्छी स्पीड चाहिए, वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा जो हमें बैरियर आया कि जहाँ पे वो लोग जिनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत कम कम है, उन लोगों के पास, उन बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं है और लैपटॉप्स नहीं है, वो एक इशू इशू हमारे सामने आया। तीसरा था हमारे टीचर्स और हमारा स्टाफ जो है वो उन्हीं दिनों में उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, तो वो बहुत ज्यादा इस टेक्निकल साइड से फेमिलियर नहीं थे। तो इनके लिए भी एक चैलेंज था कि एक एक टीचर भी आदी होता है व्हाइट बोर्ड के ऊपर बिल्कुल क्लास के सामने फेस टू फेस पढ़ाने के लिए, उसने वही चीज समझानी है उन बच्चों को जो के बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, और आप उसने अपनी इमेजिनेशन को उतना बढ़ाना है कि मैं उन बच्चों तक पहुंच रहा हूँ जो इस वक्त मुझे सामने बैठे हुए नजर नहीं आ रहे। फिर अगला जो जो चैलेंज है वो ये है कि ये जो जो बच्चा बैठा है वो कितना अटेंटिव है। हो सकता है कि वो आपके पास उस वक्त लॉग इन करके तो जरूर बैठा है, लेकिन वो अगर अटेंटिव नहीं है तो पूरी तरह आपकी बात को वो सुनेगा भी नहीं, और एज अ टीचर आप ये समझ रहे होंगे कि मेरी बात उसने पूरी अंडरस्टैंड कर ली। तो इस तरह के हमें हमें टेक्निकल साइड के ऊपर चैलेंजेस आए। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर जो चैलेंजेस थे उसमें ये था कि क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, तो जब हम बोर्ड के लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे थे, या उसके बाद भी हमने बहुत से लोगों के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बातचीत की, तो पीपल वर नॉट वेरी वेरी क्लियर एंड फेमिलियर विद द आइडिया। तो थोड़ा सा हमें टाइम, शायद जैसे हमने सोचा था कि हम एकदम चीजों को फौरी तौर पे तमाम एंगल्स को कवर कर लेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम लगा कि हम इस चीज को टेक ऑफ कर सकें। तो दीज आर द चैलेंजेस आई थिंक। यस सर, तो जैसे आपने बताया चैलेंजेस फेस आपने किए लेक्चर्स के दौरान, बट आपने किस तरह इंश्योर किया कि ये चैलेंजेस ओवरकम हो जाएं? क्वालिटी को आपने किस तरह, मयार को किस तरह इंश्योर किया कि वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज चले? आपने किस तरह इंश्योर किया, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, आपकी अगर मॉनिटरिंग है, आपकी आपके लाइव लेक्चर्स की हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं,
और हम अपने डिफरेंट लोगों के जरिए, लाइक प्रिंसिपल हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, सो क्लास इंचार्ज हैं, प्रोग्राम इंचार्ज हैं, इन सारे लोगों के जरिए से लाइव क्लासेस को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस उसी तरह ही ले रहे हैं जैसे कि हमारे रेगुलर स्कूल के अंदर बच्चों की अटेंडेंस होती है। इसके अलावा उनको होमवर्क के लिए जो असाइनमेंट्स देते हैं उसकी स्क्रीन मार्किंग गर्चे होती है, लेकिन ये कि जब लेक्चर के एंड के ऊपर हम असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट की मार्किंग होती है। इंस्टेंट क्विजेज हमने डिजाइन किए हुए हैं कि आपने लेसन सुना, उसके बाद आपको एक एक क्विज मिल गया जिससे आपको पता चलता है कि आपकी सिमुलेशन उसमें उसमें कितनी हुई है। इसी तरह हमारा जो मंथली टेस्ट है, टर्मिनल एग्जामिनेशन है, जैसे हम आम आम टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकेंड टर्म एग्जाम, थर्ड टर्म, प्री बोर्ड, इन एग्जाम्स का नाम देते हैं, हम बिल्कुल उसी तरह लेते हैं जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट्स का होते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के जब हम अपने सामने लेके आते हैं तो एक बच्चे की हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है, और इससे ही हमें उसकी उसकी स्टडी के अंदर गैप्स का भी पता चलता है, उसकी प्रोग्रेस का भी पता चलता है, और उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं जिसके ऊपर हम फिर काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे भी पूछना चाहूँ कि पेरेंट्स को क्या परसीव्ड उनकी एडवांटेज है कि वो अपने बच्चों का दाखिला एक ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में करवाए। लाइक हमारे पास यहाँ स्कूल एंड कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चा फिजिकली जाके पढ़ सकता है, तो पेरेंट्स व्हाई वुड दे ऑप्ट फॉर ऑनलाइन लर्निंग स्कूल? पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि देखें, जो ऑनलाइन लर्निंग स्कूल है अभी भी, चाहे हम जितना भी इसको एडवांस कर लें, फेस टू फेस लर्निंग का ये अल्टरनेटिव या नियम बदल नहीं हो सकता। अब आते हैं कि लोग इसकी तरफ क्यों क्यों आएंगे या क्यों आते हैं। एक तो उसकी बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में होना चाहिए था, वो बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज दे आर आउट ऑफ द स्कूल। इसके स्कोप में पाकिस्तान ही नहीं है, इसके स्कोप में क्योंकि फेडरल बोर्ड इंटरनेशनल बोर्ड है, हमारे जो पाकिस्तानी फैमिलीज पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं, कुछ जगहों के ऊपर पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल्स अवेलेबल हैं, कुछ जगहों के ऊपर पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे एम्बेसी स्कूल्स भी अवेलेबल हैं वहां पर भी उनको एडमिशंस नहीं मिलते बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स और वैकेंसीज अवेलेबल इन इन दो स्कूल्स, और कुछ लोगों को, काफी लोगों को बल्कि इंतजार करना पड़ता है अपनी बारी का। उसकी एक और वजह भी है कि मैं मिसाल देता हूँ आपको, जो दुबई का हमारा स्कूल है, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल दुबई, उसके जो नजदीक के रेडियस में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक की रेंज में लोग रह रहे हैं, वो तो स्कूल में आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा दूर रह रहा है तो उसको बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना और स्कूल तक मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। यही तकरीबन सूरत हाल हमारे एम्बेसी स्कूल्स की, इंटरनेशनल स्कूल्स की है, जो कि सऊदी अरेबिया में है, अबू धाबी में है, अलैन में है, या किसी और मुल्क में। तो ये उन लोगों के लिए भी अल्टरनेटिव एक 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 तरीका है पढ़ने पढ़ाने का जो स्कूल पहुंच ही नहीं पा रहे। तो ये क्योंकि फेडरल बोर्ड इंटरनेशनल है जैसे मैंने कहा, तो ये इसकी इसकी मार्केट इज इंटरनेशनल। इसके अलावा एक और एरिया है, हमारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बाहर से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और आमतौर पर वो सैट वगैरह का एग्जाम दे के हमारे अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। अब जो बच्चा किसी और सिस्टम में पढ़ता रहा, लेट्स से उसने स्पेन से एफएससी के इक्विवेलेंट कुछ किया है, या उसने इटली से किया है, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से किया है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स और इक्विवेलेंट से हम काफी फेमिलियर हैं, लेकिन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में रहने वाले पाकिस्तानीज, वो अगर पाकिस्तान की तरफ मूव कराएंगे एफएससी करने के बाद अपने बच्चों को, ताकि वो यहाँ से इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस स्टडीज या कोई और अच्छी एजुकेशन लेके वापस जाएं, तो उनके पास भी एक ये अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव जरूर है कि इंस्टेड ऑफ फर्स्ट स्टडिंग इन सम अदर लैंग्वेज एंड देन ट्राइंग टू गेट इक्विवेलेंसी फ्रॉम आईबीसीसी, उनके लिए ये है कि वो पाकिस्तानी सिस्टम ही में पढ़ाई कर लें और उनके पास जो सर्टिफिकेट हो उतना ही वैलिड हो जितना कि फेडरल बोर्ड के बाकी बच्चे जो फेडरल बोर्ड से अफिलियेटेड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं उनका जितना वैलिड होता है।
तो ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा सम अप कर दूं, पाकिस्तान में नॉर्थ से लेके साउथ तक, गिलगित से कराची या खुंजराब से कराची कर लें, और पाकिस्तान के बाकी तमाम सूबों में, बलूचिस्तान में रहने वाले और कश्मीर में रहने वाले लोग, और इंटीरियर सिंध में और इंटीरियर पंजाब में रहने वाले लोग जो स्कूलों में नहीं जा सकते, खास तौर पे बच्चियां, गर्ल्स की एजुकेशन आप देखते हो, कभी कभी मिडिल स्कूल होता है गांव में और हाई स्कूल नहीं होता, वो किसी और गांव में होता है, तो पेरेंट्स अलाव नहीं करते कि वो दूसरे गांव में जाके पढ़ें। वो बच्चियां जो आगे अपनी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकती, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में रहने वाले वो लोग जो किसी वजह से स्कूलों में नहीं पहुंच सकते या उनको एडमिशन नहीं मिलता बिकॉज ऑफ लिमिटेड सीट्स, तो वो भी इससे, इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं विजिट वीजा के ऊपर होते हैं, गालिबन उनको भी स्कूल में रेगुलर एडमिशन नहीं मिलता। तो जो फैमिलीज विजिट वीजा के ऊपर हैं वो भी ऑनलाइन स्कूल से पूरा एडवांटेज ले सकते हैं। जो लोग हमारे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में पाकिस्तानीज रह रहे हैं, उनके बच्चे भी हमारे सिस्टम के साथ लिंक होकर हमारी रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और फेडरल बोर्ड के रेगुलर एग्जाम में अपियर होंगे। इनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंज है, जो जिन जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल या पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नहीं है, उन बच्चों के लिए चैलेंज ये है कि उनको या तो उस कंट्री के अंदर हमारे पास 200 स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट हो जाए, अगर 200 बच्चे एनरोल होंगे तो वहां पे हम फेडरल बोर्ड को रिक्वेस्ट करके एक अपना अलहदा सेंटर बना सकते हैं, स्पेशल सेंटर जिसे कहते हैं, जैसे आईएलटीएस वगैरह के एग्जाम के लिए सेंटर्स बनते हैं। और अगर वहां पे 200 की स्ट्रेंथ नहीं होगी, कुछ कम होगी, तो उनको एग्जाम के लिए मूव करना पड़ेगा नियरेस्ट कंट्री में जहाँ फेडरल बोर्ड का सेंटर बनता है। तो ये इसका ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है, जिससे ये कि आप पेरेंट्स क्यों भेजेंगे हमारे पास, लोगों के डिफरेंट कंपल्शंस होती हैं, लोगों की अपनी डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं। एक एक फ्रेज आजकल बहुत आम है, होम स्कूलिंग का आपने नाम सुना होगा। तो बिल्कुल ये कहते हैं कि आप बच्चे की अगर ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा है तो ट्रेवलिंग कॉस्ट को आप बचाएं, उसके उस हैसल को बचाएं, स्कूल जाने आने में थक जाता है, अगर पेरेंट्स पढ़ा सकते हो या वो सिर्फ सुपरवाइज कर सकते हो, अच्छे टीचर्स के जरिए से घर बैठे आप उनको अगर पढ़ा देंगे, तो बाकी चीजें उनकी फिजिकल एक्टिविटीज, वो अपने लेयर सेंटर्स वगैरह में, स्पोर्ट्स सेंटर्स वगैरह में, इंटरनेशनली जहाँ पे लोग रहते हैं वो वहां से पूरी कर लेते हैं, और स्कूल जो है एजुकेशन ऑनलाइन को वो प्रेफर करते हैं। सो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस ऑल्सो दीज डेज। सर, मैं एक और भी चीज़ ऐड करना चाहूँ। जैसे आपको पता है आजकल पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो चुकी है, अब तो हमारे भी इवन ट्रैवलिंग कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि स्टूडेंट्स नहीं जा पाते स्कूल वैन के थ्रू या बस के थ्रू, या वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आई बिलीव ये भी FLS का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो अपने घर में बैठ के, हमारे पाकिस्तानी बच्चे भी ट्रैवलिंग कॉस्ट को वो इनिशिएट मतलब कि ना करें, वो घर बैठ के इसको एक्सक्लूड करके भी क्लासेस ले सकते हैं। तो क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? जी, मैं इससे एग्री करता हूँ कि आपकी ट्रेवल कॉस्ट यकीनन बचती है, और इससे यकीनन उन लोगों को फायदा उठाना चाहिए जो कि थोड़ा दूर के इलाकों से आते हैं, ये ट्रेवल कॉस्ट को बचाना चाहते हैं। आई एग्री विद यू। बिल्कुल सर। प्लस डू यू थिंक दैट FLS के में कोई ऐसी एज लिमिट तो महदूद नहीं है कि अगर इफ यू आर इन योर 20s और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन, तो कोई बैरियर तो आई बिलीव FLS में नहीं है ऐसा कि इफ अगर कोई बंदा अपनी एजुकेशन दोबारा से कंटिन्यू करना चाहता है? क्या आप इस पे कमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, इसमें इसमें देखें, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल क्लासरूम का है, वहाँ पे एज लिमिट स्कूलों में इसलिए रखी जाती है कि एक जितनी एज ग्रुप के लोग क्लासेस में प्रोग्रेस कर रहे हो, ताकि बड़ी उम्र के बच्चे छोटी उम्र के बच्चों को डिस्टर्ब ना करें या छोटी उम्र के बच्चे बड़ी उम्र के बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। तो इसलिए एक एक एज ब्रैकेट के हिसाब से आप लेके चलते हैं। जब आजकल आप ग्रेड 1 में बच्चा जाता है तो वो 6+ पे जाता है, और इसी तरह जो ग्रेड 6 में जाएगा वो 11+ में जाएगा, और जो ग्रेड ग्रेड 11 में जाएगा वो 16 years एज रफली इस एज में जा रहा होता है। लेकिन जब आप घर बैठे पढ़ रहे हैं या दूर दराज के इलाकों में पढ़ रहे हैं, तो हमने फेडरल बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करके इसकी एज लिमिट को रिमूव करवाया, एंड चेयरमैन हेड वेरी जेनरसली एग्री टू दैट कि अगर कोई बंदा पढ़ना चाहता है घर बैठ के और उसकी उम्र लेट्स से 40 साल है, हमने एक अभी बच्चे को अपियर कराया या स्टूडेंट को अपियर कराया जिसकी 40+ एज थी और उसने 9th का एग्जाम दिया,
तो अगर किसी की इतनी एज है वो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाई में असिस्ट कर दिया जाए, बजाय इसके कि उसकी रुकावट डाली जाए कि नहीं जी अब उसकी क्योंकि उम्र गुजर चुकी है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई एज लिमिट नहीं है, एनीबॉडी ऑफ एनी एज ग्रुप कैन पार्टिसिपेट एंड कैन बिकम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ फ्यूचर लर्न स्कूल। इसमें एक और लोगों का भी फायदा हो रहा है, और हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं मिसाल देता हूँ, जो दूर दराज के इलाकों से बड़े शहरों में आए हुए हैं, अपने प्रोफेशनल करियर में उन्होंने अपने आप को दाखिल कर दिया है, लाइक नर्सिंग में लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस असिस्टेंट जो होते हैं वो लोग काम कर रहे हैं, कोई भी किसी शोबे में काम कर रहा है, जब उसको ये लगता है कि मुझे एक एक मौका मिल रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई को आगे करके बढ़ा के किसी अच्छे फील्ड में अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्होंने भी हमारे पास एग्जाम्स दे दिए, क्योंकि एक साल हमारा हमारा ग्रेड 11 का एग्जाम हो चुका है और अभी स्टूडेंट्स हमारे ग्रेड 12 में जा रहे हैं। तो नर्सेज, लेट्स से नर्सेज हमारे पास एनरोल्ड हैं जिन्होंने जिन्होंने ग्रेड 11 कर लिया है, और आफ्टर डूइंग देयर एफएससी दे माइट लाइक टू गो टू सम अदर फील्ड या अपग्रेड देमसेल्व्स टू द नेक्स्ट लेवल। I was told that FLS also teaches 21st century skills. आप नर्सिंग वगैरह की बात की, जो प्रोफेशनल अपनी क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो 21st century skills का क्या कॉन्सेप्ट है? What exactly do the teachers teach in that? उसमें उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, हमारे पास स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, स्टैंडर्ड करिकुलम को लेके हम चलते हैं। तकरीबन जितने बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में वो अगर उसको हम कंपेयर करें जो हमारा एडवांस कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम है या उनका एग्जामिनेशन सिस्टम है, तो एक के अंदर एनकरेज किया जाता है, एक सिस्टम में जैसे ओ लेवल्स ए लेवल्स का क्रिएटिविटी को आप एनकरेज किया जाता है, और हमारे यहाँ अभी तक ऑल्दो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, हम उस तरफ स्टेप्स तो ले रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो जो रिजल्ट कार्ड आ रहा है वो मार्क्स बेस्ड है, और जिसे हम आसान लफ्जों में कहते हैं कि बच्चे को काफी ज्यादा चीजें मेमोराइज करके अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो जो जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं बेसिकली ये आपको आपकी क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को, ताकि जब आप प्लेस ऑफ वर्क पे जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो, आप लोगों के साथ बातचीत करने में अच्छे हों, आप अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से ले रहे हों, इस तरह की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो पैदा की जाती हैं, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ जब भी किसी जगह के ऊपर जाके काम करें तो इट शुड बिकम इजियर फॉर यू टू गिव बेटर आउटपुट। तो दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड 21st सेंचुरी स्किल्स एज पार्ट ऑफ द करिकुलम। सर, आई बिलीव दिस इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव. हमारे बहुत सारे स्कूल्स ये चीज लैक करते हैं कि स्टूडेंट्स को सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाए जाते, और जब वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप करते हैं, दे लैक दीज एंड दे आर अ स्टेप बिहाइंड एज कम्पेयर टू दोस पीपल जिनके पास ये सॉफ्ट स्किल्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे. तो आई एम वेरी प्लीज टू हेयर दिस कि हाँ, FLS डज ऑफर 21st सेंचुरी स्किल्स टू द स्टूडेंट्स एज वेल, ताकि उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो. सो दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट. फर्दर सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि FLS के व्हाट कम्स अंडर FLS अम्ब्रेला? लाइक आप FSC में क्या प्री इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, प्री मेडिकल ऑफर कर रहे हैं, FA ऑफर कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं अभी करंटली? जी हाँ, हम लोग ऑफर कर रहे हैं एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस या जिसे एफएससी इन कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं, ठीक है. एफसीएस भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये फेडरल बोर्ड के मुताबिक इट इज नोन एज जनरल साइंस ग्रुप। जनरल साइंस ग्रुप में हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस हैं, मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस और मैथ्स स्टैट्स कंप्यूटर साइंस। सो एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स स्टैट्स कंप्यूटर साइंस, ये कॉम्बिनेशंस इस वक्त हम ऑफर कर रहे हैं, और मैट्रिक लेवल के ऊपर हम ऑफर कर रहे हैं 9th और 10th विद बायोलॉजी एंड विद कंप्यूटर साइंस कॉम्बिनेशन। ठीक है सर. सर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो दस FLS ऑफर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप टू दो स्टूडेंट्स? जी हाँ, हमारे पास दोनों तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स
जिन बच्चों के, अगर हमारे पास 9th में आएगा बच्चा या आ रहा है विद वेरी गुड रिजल्ट इन ग्रेड 8 पुराने स्कूल से लेके, तो उसके लिए उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। जो हमारे पास ग्रेड 11 में बच्चे आ रहे हैं विद अ गुड रिजल्ट ऑफ मैट्रिक, उनके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा नीड बेस्ड भी हैं कि अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वो हम उनको उनको एक एक परसेंटेज तो है ही है कि हमारे पास 10 में से एक बच्चा फ्री पढ़ ले, लेकिन अगर इससे ज्यादा भी हो तो हम उनको कोशिश करके उनको मैनेज कर देते हैं कि उनका ऐसा प्लान बन जाए, उनकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाए और वो आगे को पढ़ाई अपनी जारी रख सके। इसके अलावा हम जो डिफरेंट टैलेंट्स हैं, लाइक समबडी इज वेरी गुड एट किरात, समबडी इज गुड एट नाद, समबडी इज गुड इन इंग्लिश स्पीच और उर्दू स्पीच, या हमारे यहाँ फेडरल बोर्ड में मिली नगमा के कॉम्पिटिशन होते हैं, या कुछ स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उस बेस के ऊपर भी हम उनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। That's great, sir. तो आप क्या मुझे बता सकते हैं क्या स्टूडेंट्स को एक्सेस होता है अपनी रिकॉर्डिंग्स का एंड कौन सा प्लेटफॉर्म बेसिकली यूज हो रहा है वो अपनी क्लासेस लेने के लिए? क्या जूम यूज करते हैं, क्या आप एमएस टीम्स यूज करते हैं, कोई और प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अपनी क्लास लेते हैं? क्या मुझे बता सकते हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को, और ये प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं लाइव क्लासेस के लिए। इसके अलावा हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आई क्वालिफाई की टीम ने डेवलप किया है, आई क्वालिफाई यूके की टीम ने, और इसमें इसमें हम बच्चों को प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो देते हैं। और ये उसी तरह ही है कि हर किसी बच्चे का अकाउंट है अपना, जब उसमें वो लॉग इन करेगा तो उसने जितने उसके उसके टाइम टेबल के मुताबिक पीरियड्स चल चुके होंगे या उसके सब्जेक्ट कवर हो चुके होंगे, उनके सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उसको मिल जाएंगे, ताकि अगर वो दोबारा सुनना चाहे या बार बार सुनना चाहे, उस टाइम टेबल रनिंग लाइव टाइम टेबल के अलावा किसी और टाइम में, तो उस बच्चे को ये फैसिलिटी हासिल हो। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे लाइव क्लास में टीचर कभी कभी बच्चों को ये कहते हैं कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ मटेरियल है ये आप अपनी कॉपीज के ऊपर नोट कर लें और बच्चा घर जाके उसको रिवाइज करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सामने नहीं बच्चा बैठा हुआ, वो अपने टाइम में यकीनन जब लाइव स्क्रीन के ऊपर पढ़ाया जा रहा है तो कुछ चीजें नोट करता होगा, लेकिन इसको और थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए लाइव रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उसको भेजे जाते हैं, और ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू है। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ LMS एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। Yes, sir, that's great. Sir, I would like to ask you कि आप where do you see FLS in the future? क्या आप लोग और courses वगैरह adopt करेंगे? What is exactly the future of FLS? देखिए, मैं ये समझता हूं जैसे मैंने शुरू में बात की कि हमारे मुल्क में अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो 2.5 करोड़ के करीब बच्चे आउट ऑफ द स्कूल हैं। अगर हमने FLS ने इसमें से चंद लाख पढ़ा दिए तो हम समझते हैं कि हमने अपनी कंट्रीब्यूशन कर दी। और अगर हमें, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा था कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव को फॉलो करते हुए अगर और कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस या इदारे भी ऑनलाइन जाएंगे या जा रहे हैं, जैसे कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस अब ऑनलाइन की तरफ आ रही हैं, तो ये उनकी तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन होगी उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते। तो अगर हम सबने मिलके इन 2.5 करोड़ बच्चों में से ज्यादा पढ़ा लिए, उतनी हम सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, तो मैं फ्यूचर तो इसका बहुत ब्राइट देखता हूँ। सिर्फ ये कि हमारी आवाज दूर तक पहुंचने और पहुंचाने की जरूरत है। मैं इसकी कुछ मिसाल देता हूँ कि कैसे वहां पे इसको अरेंज किया जा सकता है। फर्ज करें एक गांव में किसी के पास कोई एक बैठक है, उस एक बैठक में 9th की ग्रेड 9 की क्लास को शुरू करते हैं, तो ग्रेड 9 के बच्चों को उस एज ग्रुप के या उस 9th में जो इंटरेस्टेड है, क्योंकि एज की कोई लिमिट नहीं, वो वहां पे आप बिठा दें अंडर द सुपरविजन ऑफ समवन, जिसे हम कोऑर्डिनेटर कह लेते हैं, क्लास कोऑर्डिनेटर, और वो ये क्लास चला सकते हैं। किसी साथ वाले घर में एक और बैठक अवेलेबल है, वहां पर 10th की क्लास हो सकती है। एक ही घर में अगर 4 कमरे अवेलेबल हैं तो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वहाँ पे क्लास चल सकती है। किसी छप्पर के नीचे भी अगर आप इंटरनेट कनेक्शन दे दें तो वहां पे भी ये क्लास अरेंज की जा सकती है।
कोई कोई सरकारी स्कूल है उसमें शाम को आपके पास अगर उसकी उसकी जगह अवेलेबल है तो आप उस वहाँ के जो गांव के लोग हैं मुअज्जिन वे इकट्ठे होके ये प्लान कर सकते हैं हमारे साथ कि हम इवनिंग में अपने बच्चों को इकट्ठा करेंगे और वो 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यहाँ से ऑनलाइन कर लेंगे। तो वही बिल्डिंग जो सुबह में स्कूल में इस्तेमाल हो रही है वो शाम को भी इस्तेमाल हो सकती है, चाहे ये प्राइमरी स्कूल ही क्यों ना हो। अगर प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कोई भी स्कूल है जिसकी कोई बिल्डिंग मस्जिद के साथ चंद कमरे या कोई पुरानी हवेली जो जो इस काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, तो ये इसका एक स्कोप है कि हम मैं फ्यूचर में ये देखता हूँ कि ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे बहुत से लोग, ऐसे बहुत से गांव के मुख्तलिफ शहरों के मुअज्जिन जो लोगों को पढ़ाना चाहते हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो ये फैसिलिटीज क्रिएट करके दे दें और हम यहाँ से उनको FLS के प्लेटफॉर्म से या फ्यूचर लर्न स्कूल के प्लेटफॉर्म से पढ़ा देंगे। इसके लिए उनको उनको देखें टीचर्स का अरेंज नहीं करना जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपके पास अगर मिडिल स्कूल है मॉर्निंग में चलता है, हाई स्कूल के टीचर्स नहीं होंगे शाम के लिए, आपके पास कॉलेज के टीचर्स नहीं होंगे, तो वो हम बेहतरीन टीचर्स यहाँ से अपने सिस्टम से देंगे उनको। सिर्फ उनको ये करना है कि एक एक LED लगी हो और एक कोऑर्डिनेटर हो जो उस वक्त क्लास को बैठ के फैसिलिटेट कर दे और मैनेज कर दे। तो इसका फ्यूचर तो मैं बहुत ब्राइट देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर. आई बिलीव आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान. एंड आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग दैट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक. एंड इंशाल्लाह वी आर सीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग एंड फॉर FLS. सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस सेशन टुडे. इट वाज इंडीड अ वेरी इंटरेक्टिव एंड अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे सर. Thank you very much that you have given me this opportunity to explain the system to you and your audience. Thank you. Thank you Thank you very so much much. indeed. Thank you, sir. Okay, thank you so much. Jazakallah.